हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और ये मॉर्निंग का टाइम है और मैं बाहर बरामदा धुल रही हूँ क्योंकि आज बच्चों की क्लास, मतलब वो आरब के तो एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम हो गया था और हन्नू के आज क्लास नहीं थी, तो इस वजह से टाइम था। तो मैंने कहा चलो धुल देती हूँ। वैसे तो झाड़ू पोछा करती हूँ और अभी इतनी हिम्मत भी नहीं है। आपको लग रहा होगा कि मतलब जल्दी जल्दी कर रही हूँ तो स्पीड बढ़ा रखी है। और अभी ना, अभी मैं जब आपसे वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे ना बहुत सर्वाइकल का पेन हो रहा है। पता नहीं ज़िंदगी कब सही होगी। बहुत दर्द हो रहा है सर्वाइकल का। और अभी मैं लेटी थी, मुझे एकदम से याद आया कि यार मेरे को वीडियो वॉइस ओवर करना था क्योंकि बिल्कुल एडिट करके सब सिर्फ वॉइस ओवर करना था। तो मैंने कहा चलो कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं धुल रही थी और कपड़े भी मेरे धुल गए थे। और कपड़े धुलने के बाद ही मैं इधर पोछा मारती क्योंकि थोड़ा गीला हो ही जाता है, तो इस वजह से। तो मैंने कहा चलो कपड़े भी डाल देती हूँ और धुल दिया था। इसके बाद मैं किचन में आ गई थी और किचन में, और इसी वजह से पता है जो मैं ये सफाई वगैरह कर रही हूँ ना, इसी वजह से मेरे शायद सर्वाइकल का पेन बढ़ गया है। वैसे मुझे हो रहा था हल्का हल्का, बट लेकिन आज ज़्यादा बढ़ गया। और आज संडे नहीं, सैटरडे है, फ्राइडे का ये वीडियो है, सैटरडे है और आज ना बढ़ गया है दर्द। तो बस यहाँ पे मैं किचन टाइल्स वगैरह, ये मैंने जालीदार रख दी थी, तो मतलब वो हो रहा था इंडक्शन का तार इधर से ही, स्विच इधर से ही है तो फिर लंबा हो रहा था तार, तो मैंने ये इधर से इधर कर दिया। और यही होता है, अब पछता रही हूँ। अभी देख रही हूँ ना वीडियो में कि हाँ ये सब काम किया था इसलिए सर्वाइकल बढ़ गया मेरा। तो फिर बस यहाँ पे किचन की सफाई कर रही थी और गैस धुल रही थी, तो मैं गैस ना धुल लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मतलब साफ साफ चमकता है, बिल्कुल न्यू सा लगता है। और मेरी सास भी बोलती है कि गैस धुलती क्यों है ऐसी कपड़े से साफ़ कर लिया कर, बट पता नहीं क्यों मेरी आदत है। वैसे पहले तो मैं रोज़ धुलती थी, अब तो खैर ऐसा नहीं करती, एक दिन छोड़ के धुल देती हूँ। और बस यहाँ पे साफ़ सफाई चल रही है किचन की। और आप लोग बताना आप लोग कैसे हो। और बस हो गई था फिर किचन का काम मेरा, मतलब पूरा काम कंप्लीट हो गया था मॉर्निंग का। किचन भी मेरी बिल्कुल क्लीन हो गई है, दूध रखा है अभी गरम गरम है इसलिए, फ्रिज में नहीं रखा। और ये रूम है तो सारा काम फिनिश हो गया था। और इस टाइम पे बहुत अच्छा लगता है जब सब साफ साफ रहता है, मतलब इसके बाद तो फिर वही हाल हो ही जाते हैं बच्चों के साथ। तो इस टाइम पे बिल्कुल क्लीन है तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे बच्चे देख रहे हैं टीवी। और ये कंबल वगैरह ना मैं यहीं पे रखती हूँ अब क्योंकि ऐसा लगता है बच्चे दीवार पे सर न लगाते। वैसे तो रखते हैं बट थोड़ा बचने के लिए मैं कंबल पिल्लो सब गद्दी वगैरह यहीं पे रखती, ताकि सर रखे तो इस पे रखे। कितना बचेंगे यार, तेल तो सर पे लगाएंगे ही और सर दीवार पे जाएगा ही, बट थोड़ा सा लग रहा है अभी, बचा रही हूँ जितना हो सके। और तो यहाँ पे अच्छा लग रहा था, अभी सब साफ साफ लग रहा था। तो इस टाइम पे बहुत सुकून मिलता है, जिस टाइम पे मतलब साफ़ होता है, इसके थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद फिर वैसे ही हो जाता है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी स्वेटर, हाँ इसी वजह से सर्वाइकल हुआ मुझे शायद। तो ये ना मैं जनवरी में लाई थी ऊन, और उस टाइम पे मैं बना नहीं पाई थी क्योंकि मतलब बन गया था, सिर्फ यही वाला स्लीव रह गया था। उसके बाद मुझे फ्रैक्चर हो गया था पाँव में, फिर उसके बाद कोविड हो गया था, तो फिर मैं बना नहीं पाई थी। तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा रह रखा था बस ये, तो मैंने कहा चलो इसे कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये मैं ले आई थी, ससुराल गई थी ना वहाँ से ले आई थी। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं तो देखो बच्चे कैसे खेल रहे हैं, बस स्टार्ट हो गया ना खेलना तो बस समझो मतलब बिस्तर इधर उधर, गद्दी इधर उधर फेंकने शुरू हो जाएगा। ये देखो कैसे मारते हैं अपने भैया को, शैतान बच्चा। बच्चे भी क्या करें, बच्चे भी ना घर में रह रह के बोर हो गए हैं तो बस ऐसे ही खेलते रहते हैं और उन्हें अच्छा लगता है फिर भी यहाँ। और ये नेक्स्ट डे का है, सैटरडे का है, तो हम गए थे मार्केट गए थे, तो यहाँ पे बच्चों ने जिद करी रेस्टोरेंट, तो मतलब बिल्कुल हमारे पास में ही रेस्टोरेंट है ये, ऐसी जगह नहीं गए हम कि जहाँ जिन्हें जानते नहीं थे जैसे ना, अपने पास में ही गए थे। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो थोड़ा सा वीडियो बना लेती, देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा था हेलो गाइस, हम मोमो खाने आए हैं, बट मैंने म्यूट कर दिया था क्योंकि साउंड बहुत था बैकग्राउंड में, तो इस वजह से मैंने वॉइस म्यूट कर दिया था। और पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, ये कैमरा देखते ही ना स्टार्ट हो जाता है ये वो, सो पता नहीं क्या क्या बोलने लगता है। तो हंसी भी आ रही थी मुझे।
और मैंने मास्क पहना था तो ये मुझे चिढ़ा भी रहे थे, ये मास्क क्यों पहना है, सिखाओगी क्या? तो यहाँ पे ये आए हैं स्प्रिंग रोल और इसके फेवरेट मोमो। हन्नू के फेवरेट तो मोमो ही हैं, वो कुछ पता है इसके अंदर का मसाला नहीं खाता, बस ये और चाउमीन। तो तीनों चीज़ हमने मंगा ली थी, क्योंकि कब से बच्चों को हम बाहर, मतलब 2 साल से हम लाए ही नहीं है शायद, मुझे लग रहा है जब से लॉकडाउन वगैरह तब से बच्चों को लाए नहीं, तो इस बार ले आए थे तो मैंने कहा चलो खा लेंगे, पास में ही था इसलिए। और हंसी आ रही थी मुझे इसे देख के कैसे खा रहा है कैमरे में देख देख के। और बार बार कर ये खाएगा, अंदर का मसाला कम ही खाता है, जबकि मैंने कहा ये तो अच्छा है, वेजीज है इसमें, ये खा लो, बट नहीं मम्मा मुझे अच्छा नहीं लगता, मम्मा मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा बोलता है। और देखो कुछ ना कुछ बोल ही रहा है कैमरे के सामने, स्टार्ट ही रहता है। मैं तो कितनी क्लिप ऐसी है जो काट देती हूँ, अगर वो सब दिखाऊँ ना तो आप लोग भी हंस हंस के ऐसे ही हो जाओगे मेरी तरह। ये देखो बड़े शौक से खाता है, बड़े शौक से मोमोज। और अच्छा था ये आंटी ना, इनका है ये रेस्टोरेंट, तो इसलिए हमने कहा चलो यहाँ पे पास में है खा ही लेते हैं। और ये है आरव, और आरव ना बहुत शैतान था, बहुत शैतान, लेकिन अब बहुत सुधर गया है। मतलब जैसे हम कहीं जाते थे बाहर ना रेस्टोरेंट वगैरह में तो बहुत परेशान करता था, लेकिन अब नहीं करता है। तो इसके आगे आप सुनिए मेरी आवाज़ रियल। हेलो फ्रेंड्स, आ गए हम मार्केट से और दीवार ऐसी लगी है ना, मतलब खाली खाली सी। पता है क्या, यहाँ वो नहीं कर सकते ना, किल मना कर रखा है, फिर अच्छा भी नहीं लगता अगर किसी ने मना कर दिया किल वगैरह ठोकना। तो हमें अभी मार्केट गए थे, बच्चे की ड्रेस लानी थी और इनका बर्थडे है तो इनके लिए बर्थडे गिफ्ट लाई। वैसे तो मैं हमेशा खुद दे, मतलब सरप्राइज़ करके देती थी, बट लेकिन इस बार तो हिम्मत नहीं है ना ऐसे जाने की अकेले। स्कूटी है वैसे मेरी, बट जाना अभी चलाने में भी ना डर लग रही है। वैसे तो चलाना पड़ेगा अब, क्योंकि अब स्कूल है 29 से, तो स्कूल छोड़ ले तो चलो ये सुबह छोड़ देंगे, बट लेने तो जाना ही पड़ेगा। तो कोशिश, बट स्कूल तो पास में ना इतना नहीं, मार्केट में थोड़ा भीड़ वगैरह रहती है। और पहले तो मैं ऋषिकेश देहरादून थी, बट लेकिन अभी थोड़ा चला लेती हूँ, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे आवाज़ कम करो बच्चों, ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चला लेती हूँ वैसे, बट अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस हो रखा है। तो दिखाती हूँ आप लोगों को क्या लेके आई हूँ मैं, फ़ोन कहाँ रखूँ। तो फ्रेंड कैमरा एंगल आप मैनेज कर लेना, क्योंकि मैंने बताया था ना ट्राइपॉड नहीं है, ट्राइपॉड है मतलब, बट उसके ऊपर का कल लेके आऊँगी, जबकि बच्चों के साथ में ज़्यादा काम नहीं होता कि एक दुकान में जाओ दूसरी दुकान में। हम मार्केट जाते हैं तो बच्चों को इसके घर में छोड़ के जाते हैं, क्योंकि बच्चे भागते हैं ना, हन्नू मेरा छोटा वाला है तो ये इधर उधर भागते हैं। तो ये आ गई है बच्चे की शर्ट और ये पैंट, अब होने लगी स्कूल की तैयारी, और अच्छा भी लग रहा है कि स्कूल की तैयारी हो रही है। और ये है इनकी शर्ट, एक शर्ट ये है, एक शर्ट ये है, दो शर्ट है और एक जीन्स है, जीन्स ये वाली अच्छी लगी मुझे कलर। इसमें थोड़ा वैसे दिख रहा है लाइट सा ना, बट ऐसा नहीं है, थोड़ा वैसा है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा ब्लू ब्लू सा दिख रहा है, ब्लू नहीं है, ग्रीन शेड में है। इस कैमरे में बिल्कुल कलर ऐसा था, इसमें भी ये जैसे रेड लग रहा है ना, लेकिन महरूम है, थोड़ा डार्क है, इतना नहीं है जितना इसमें दिख रहा है। और तो सरप्राइज़ तो कुछ दे नहीं सकते, दूंगी वैसे तो अभी, बट लेकिन ये कि गिफ्ट तो मैं ऐसे ले आई। और बस अभी स्कूल की तैयारियाँ हो रही है, स्कूल स्टार्ट, बस छोटे वाले का नहीं होगा लेकिन शायद दिवाली के बाद स्कूल जाए इनका भी, और बड़े वाले का है तो बच्चे देखते हैं क्या करते हैं स्कूल में जाके, कुछ बोलते कि नहीं। ज़्यादातर शिकायतें तो यही आ रही है, बच्चे स्कूल में जाके कुछ बोल ही रहे, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्कुल बच्चों का लो हो चुका है, कॉन्फिडेंस लो हो चुका है, क्योंकि वो फेस ही नहीं कर रहे ना मैम को। वैसे ऑनलाइन अलग बात है, और अब जैसे ये छोटे बच्चे हैं अभी तो ये हर क्लास में कुछ ना कुछ सीखते हैं आगे जाके यार। तो ये फर्स्ट भी इनका ऐसे ही गया, सेकंड में अब जा रहे हैं स्कूल, देखते हैं क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा जो नए आए हो चैनल पर। तो रखते हूँ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।